26 जनवरी 2024 को राजपथ यानी विजय पथ पर झारखंड की झांकी भी दिखेगी। दुमका में कैसे सिल्क उत्पादन होता है, यह सारा सिलसिला 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के परेड में झारखंड की ओर से प्रदर्शित किया जाएगा। झारखंड की झांकी का चयन देश भर के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किया गया है। 2023 की परेड की बात करें तो उस समय देवघर की एक झांकी प्रदर्शित की गई थी। झारखंड समेत जो भी चयनित राज्य हैं उनसे कहा गया है कि वे झांकी के प्रारूप का जो मॉडल है, स्वरूप है, उसे 19 जनवरी तक किसी भी हाल में पूरा कर लें और झांकी और पूरे परिधान के साथ उसका जीवंत डेमोंस्ट्रेशन यानी जो रिहर्सल है वो 23 जनवरी को होगा। आइए देखते हैं कि झारखंड के दुमका यानी उपराजधानी दुमका में जो सिल्क निर्माण होता है उसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे झारखंड की झांकी का चयन हुआ। फार्मर से हम लोग जो है या पीपीसी से खरीद करके ये एसएचजी के मार्फत से जो है मंगाते हैं। ये एसएचजी स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये मेरा कृषित कराया जाता है। सबसे पहले हम लोग कोकून से जो है धागा निकालने के लिए काम करते हैं। एक हो गया कोकून आपका प्योर कोकून जिसमें कट नहीं होता, जिसमें कितनी नहीं निकलती है। एक तो हो गया कट कोकून, इससे हम लोग मोटा धागा जिसको हम कटिया धागा बोलते हैं वो निकालते हैं, और एक इससे जो है रील्ड धागा निकालते हैं, फाइन धागा इसको जो फाइन धागा जैसे हुआ ये आपका ये फाइन धागा हो गया, और ये आपका कट कोकून से ये धागा हम लोग बनाते हैं मोटा कटिया धागा। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है, ये कट हो जाने का इसका थ्रेड जो है नहीं निकल पाता, और ये हमको लगभग 800 से 1200 मीटर एक थ्रेड निकलता है इसको। दोनों के प्राइस में क्या अंतर है? प्राइस में अंतर है, प्राइस ये आपको 4265 रुपये किलो का मिलता है, ये 2285 किलो का। सबसे पहले हम लोग इसको बॉयल करते हैं, इसको बॉयल करते हैं H2O2 केमिकल 5% लाइबॉय का देते हैं सनलाइट साबुन केमिकल देख के हम लोग बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं इसको हमको रील धागा में MTR करते हैं मशीन से हम लोग जो है धागा निकालते हैं और इसको कटिया धागा मशीन से निकालते हैं। तो ये हो जाने का पर फिर हम लोग करते विविंग में जाते हैं, विविंग में रील रील धागा से हम लोग विविंग करते हैं उसका पतली रेट है, और क्या कहते हैं कटिया धागा से निकालते हैं उसका बहुत लो पॉस्टर होता है। रील धागा रील रील से अगर कटिया कपड़ा बनाते हैं उसमें हम लोग को 950 रुपये मीटर हम लोग बेचते हैं, और कटिया धागा से बनाते हैं तो हम 650 रुपये मीटर। हम लोग दिल्ली में दिखेंगे वहाँ पर तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इस बार झारखंड का झांकी दिल्ली में देखने में कितना खुश है? बहुत खुश है सर, ये हम लोग तो वहाँ दिल्ली का आदमी दिखेगा तो बहुत खुशी की बात है। गुजरात से यहाँ जुड़े अपना घर का काम काज करके फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, फिर इससे हम लोग का कमाई भी हो जाता है। उसमें पानी डालते हैं, 5 मग पानी डालते हैं, उसमें साबुन डालते हैं, केमिकल डालते हैं और उसको उबाल के यहाँ लाते हैं। और देखिए एक धागा निकला, उसी में इसको लगाते हैं और 10 कुकुन लगा के इस टाइप पे इसको बनाते हैं। इस टाइप पे बना के ये फिर कंप्लीट हो गया हम लोग का, फिर उस जगह खोलते हैं, फिर कपड़ा में जाता है, बिनाई में होता है। किस तरीके का मतलब होता है वो दिखाइए ऊपर कर दो। एक धागा निकला, इसी से हम लोग 10 कुकुन लगा के यहाँ पे लगा देते हैं और 10 का ये धागा है। कपड़ा फिर किस तरह बनता है इसमें? फिर हम लोग इसको धागा खोलते हैं, खोल के फिर बिनाई में जाता है, उस जगह फिर कपड़ा का तैयारी होता है। कितना मांग है बाजार में इसका, मांग है रेशम के कपड़े का? हाँ मांग तो। क्या नाम है आपका? रूपा जी। रेशम का धागा है उसको निकाला जाता है। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं तो आते हैं गोटी उबालते हैं उसके बाद धागा हम लोग बनाते हैं, कपड़ा बना के यहाँ कपड़ा भी बनता है, कपड़ा बनता है और
घर काम का कार्य करके ही यहाँ पे आते हैं। 10 बजे 11 बजे से ही यहाँ पे काम करते हैं और फिर हम लोग 5 बजे तक घर चले जाते हैं। इससे थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमा लेते हैं हम लोग, घर का काम करते हुए कुछ पैसा कमा लेते हैं।